मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने निर्देश दिए कि उद्यमियों की समस्याओं का गुणवत्ता युक्त एवं समयबद्ध निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। औद्योगिक क्षेत्र गीडा में सीईटीपी की स्थापना के संबंध में बताया गया कि गीडा में स्थापित किए जाने वाले 7.5 MLG का सीईटीपी के संशोधित डीपीआर बनाने का कार्य जल निगम द्वारा किया गया है। यह डीपीआर परियोजना निदेशक स्टेट मिशन फॉर क्लीन गंगा लखनऊ एवं परियोजना निदेशक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नई दिल्ली को प्रेषित किया जा चुका है। गीडा में लगभग 22 कब्जा बाधित आवंटी भूखंड आवंटन के लिए बचे हुए हैं। गीडा के पास पिपरापुर में जमीन लेने की प्रक्रिया चल रही है, किंतु उच्च न्यायालय में वाद विवादित है जिसमें स्थगन आदेश प्रभावी है। समीक्षा के दौरान गीडा में नए विकसित औद्योगिक सेक्टर 15 से सेक्टर 13 में जाने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कराने के संबंध में बताया गया कि गीडा में नए विकसित औद्योगिक सेक्टर 15 में जाने के लिए 36 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मंडलायुक्त ने शीघ्र कार्य पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि कार्य की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित समस्याओं के संबंध में बताया गया कि गोरखपुर में 25 सितंबर तक निवेश मित्र पोर्टल पर एकल मेज व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा के उपरांत विभिन्न विभागों के कुल 14 मामले लंबित हैं। महाराजगंज में कुल 4, देवरिया में 4 तथा कुशीनगर में 8 मामले लंबित हैं। मंडलायुक्त ने कहा कि निवेश मित्र पोर्टल पर कोई भी मामले लंबित नहीं होने चाहिए, संबंधित विभाग समयबद्ध ढंग से इसका निस्तारण सुनिश्चित करे। बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा पवन अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों से संबंधित अधिकारी तथा उद्यमी बंधु मौजूद रहे। आपत्ति लिखित में बताया था, आपने आपत्ति मैंने दिया था ग्रुप पे कि एक मैटर डिस्कस हुआ था की स्थापना के संबंध में। मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा महोदय द्वारा ये बताया गया था कि 7.5 MLG का CETP संशोधित DPR बनाने का कार्य जल निगम द्वारा किया गया है, और ये संशोधित DPR जो है सर परियोजना निदेशक स्टेट पार्क क्लीन गंगा प्लाट संख्या जो है 18 सेक्टर 2 गोमती नगर लखनऊ को एवं परियोजना निदेशक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन भारत सरकार ने दिल्ली को प्रेषित किया जा चुका है। सर दिल्ली को भी एस एन सी जी दोनों को भेज दिया, वहाँ पे बात भी कर ली थी, उनको KNC भी हो गया है। टाइम वाइम कर लो सर, ये चलते ही रहेगा। ठीक है सर, हम लोग कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं सर, वहाँ जैसे आएगा सर तो हम लोग उसको करेंगे। हमको एक मिनिमम कॉस्ट आएगा ही आएगा सर, क्या उतना कॉस्ट हम लोग इन लोगों के माध्यम से आएगा और भी नर्वस पर उसको मेंटेन कैसा किया जाए सर, उसमें बेसिक बेस अजम्पशंस किए गए हैं। उसमें आप लोगों से कितना पैसा इनसे आएगा, जो पॉलिटी इंडस्ट्री से आएगा।